सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जीजी ऑफिशियल आर्मी। और आज हम फ्री फायर से रिलेटेड अपडेट लाए हैं आपके लिए। फ्री फायर में जो भी नए गन के अटैचमेंट आने वाले वो और बू बालन सो अब्रीजा सु ब्यूपा मैच गाहा पका यू नु शावी ओ शो तो मे न दू बू बू बालन सो अब्रीजा सु ब्यूपा मैच गाहा पका यू नु शावी। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि OB19 अपडेट बहुत जल्द फ्री फायर हम इंडिया में लाने वाला है। इंडियन सर्वर्स में आने वाले हैं OB19 अपडेट। इस OB19 अपडेट में आपको नए गन के अटैचमेंट्स देखने को मिलेंगे और बहुत सारे नए मोड भी देखने को मिलेंगे और न्यू मैप। फ्रेंड्स, न्यू मैप आपको तो पता ही होगा, कलहारी मैप आपको देखने को मिलेगा इस नए OB19 के अपडेट में। तो पहले हम बात करते गन के अटैचमेंट्स की बात कर। तो जैसा कि सामने आपके दिख रहा है ये फोटो, इसमें ये जो अटैचमेंट्स दिखाए जा रहे हैं गन के वही हैं। और अभी आपको सिंगल में दिखा देता हूँ कि कैसे अटैचमेंट्स आने वाले हैं और कैसे दिखने वाला है अटैचमेंट्स गन्स के। पहले हम VSS से शुरू करते हैं। तो VSS गन का अटैचमेंट अपने स्क्रीन पर अभी मैं लाने वाला हूँ। ये VSS गन का स्क्रीन पर अटैचमेंट आने वाला है ये। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, ये VSS गन का जो अटैचमेंट आने वाला है ये, इसके ऐसे फोटोज होंगे। और उसके बाद मैं आपको अगले फोटो दिखा देता हूँ कि M14 गन, जो कि जिसको हम M14 भी बोल सकते हैं। सो ये देख सकते हैं आप M14 रेज कोर जो भी है, ये अटैचमेंट देख सकते हो आप। M14 की अटैचमेंट होने वाली है यही। कर ले हम अगले अटैचमेंट की, तो ये होने वाली है कार 98 स्नाइपर गन की एक अटैचमेंट, जिसको जो कि स्कोप होगा शायद, या फिर स्कोप ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आप जैसा देख रहे हैं यही है स्कोप, कार 98 बायोमेट्रिक स्कोप आपको देखने में लिख के आ रहा है यहाँ पर, देख सकते हो आप। और यही होने वाला है वो कार 98 के अटैचमेंट्स। और यही थे गन के अटैचमेंट के अपडेट। और हम बढ़ते अगले अपडेट की ओर। तो जो अभी नए जो मोड आने वाले OB19 के अपडेट में, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। तो पहला अपडेट जो आपके सामने आने वाला है कि क्लैश स्क्वाड जो मोड होने वाला है वो परमानेंट होने वाला है। आप उसको हमेशा के लिए एंजॉय कर सकते हैं, क्लैश स्क्वाड मोड को उसका। तो फ्री फायर ऑफिशियल ने ऐसा पोस्ट किया था अपने फेसबुक पेज पे, तो यही फेसबुक पेज के आपको मैं पोस्ट दिखा दे रहा हूँ। और अभी बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। तो अगला जो मोड आने वाला है वो है मैड स्नोमैन मोड की। मैं आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ जो कि फेसबुक पे पोस्ट किया था फ्री फायर ऑफिशियल ने। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैड स्नोमैन का जो भी पिक्चर है, ये मोड के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन जैसे मुझे अपडेट मिलते रहेंगे तो मैं भी आपको अपडेट देते रहूँगा मैड स्नोमैन मोड और जो भी मोड आने वाले उसके बारे में पूरा अपडेट दूंगा आपको। तो इसके तो टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। और कमेंट करके बताना कि और कौन से अपडेट और कैसे कैसे गेम प्लेस आपको देखना पसंद हो, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर बनाने की वीडियो। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले जो मोड आने वाले हैं, उसका नाम होने वाला है टीम डेथ मैच, जिसका आपको फर्स्ट लुक में दिखा दे रहा हूँ। फर्स्ट फोटो ये जो दिखने में आ रहा है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन टीम डेथ मैच ये नाम सुन के तो मुझे लग रहा है जैसे कि ये कोई स्क्वाड का मोड होगा। इसके बारे में भी जैसे अपडेट आएंगे मैं आपको तुरंत दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं न्यू मैप जो कलहारी होने वाला है उस मैप के बारे में। तो उस मैप के बारे में मैं आपको बता दूं कि सीज़न 15 का जो इलाइट पास था कलहारी मैप, उसमें ही टीज हो चुका था। तो उस मैप के टीज होने की जो वीडियो है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये डेजर्ट मैप जो देख रहे हो आप, ये कलहारी मैप पहले से टीज हो चुका था सीज़न 15 के इलाइट पास में। सीज़न 15 के इलाइट पास में ये जो बंडल हमें ये मेल बंडल हमें देखने को मिले थे। सो फ्री फायर ने उस टाइम पर ही इस मैप पर काम करना शुरू कर दिया था, कलहारी मैप जो कि डेजर्ट मैप था और डेजर्ट मैप है जो कि OB19 में हमें खेलने मिलेगा। OB19 में कलहारी मैप में देख सकते हो आप इसका टीजर, मैं ज़्यादा तो नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट इशू हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी कलहारी मैप की जो पहले टीज कर चुकी थी गरीना फीफा। और अब कलहारी मैप के ऊपर और आगे बढ़ते हैं, तो कलहारी मैप के टीज़र को एक बार देख लेते हैं कि कलहारी मैप कैसा क्या गरीना ने टीज किया था, उसको भी ज़रा एक बार देख लेते हैं। We'll be right back.
फ्रेंड्स, जैसा कि आपने उस टीज़र में देखा था, ये वही था कलारी मैप का फर्स्ट लुक। इसके बाद अभी कुछ यूट्यूबर्स को एडवांस सर्वर मिल चुके हैं, तो उन पर उन्होंने खेलना चालू कर दिया है, उस पर उन्होंने वीडियो भी डाल दिया है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब पर ही जाकर उनके चैनल पर। और फिर अब आप आगे बढ़ते वीडियो में, तो आपको मैं दिखा दूँ कि अभी जो क्लैश स्क्वाड मोड में जो नए वेपन आने वाला है एक, उसका मैं आपको वेपन का बता देता हूँ कि कौन से वेपन आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यही है वो वेपन जो क्लैश स्क्वाड मोड में आने वाला है, डेजर्ट ईगल नाम है इसका। ये पिस्टल की जैसा आपको दिखने में मिल रहा है, बट इसमें जो खासियत है कि इसमें मैगजीन ये ज़्यादा कंसिस्ट करेगी बाकी और पिस्टल के मुकाबले। तो इसे खेल कर इसके साथ भी खेलना भी हमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। वैसे भी क्लैश स्क्वाड मोड बहुत ही बेहतरीन मोड है, तो इन्जॉय करिएगा आप क्लैश स्क्वाड मोड को भी। सो फ्रेंड्स, अब बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि है कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स में दो नए कैरेक्टर्स आने वाले OB19 के अपडेट में। एक कैरेक्टर का नाम होने वाला अलवारो और एक का नाम होने वाला नोटोरा। एक मेल कैरेक्टर होने वाला और एक फीमेल कैरेक्टर होने वाला है। तो इसके भी मैं आपको फर्स्ट लुक दिखा दूँ दोनों कैरेक्टर्स के। तो सो फ्रेंड्स, इसका नाम होने वाला है नोटोरा और इसके जो स्किल्स होने वाले ये हैं कि मतलब आप जब गाड़ी चलाओगे और आपको गाड़ी के वक्त जब गोली लगेगी उस टाइम पर ये HP को रिकवर करती है। तो ये बहुत ही अच्छी स्किल है जो गाड़ी चला के खेलना पसंद करते हैं उनके लिए। और बात करते हैं अगले कैरेक्टर के बारे में, तो जिसका नाम अलवारो है, तो उसकी भी मैं आपको फर्स्ट लुक दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है वो सेकंड कैरेक्टर, मेल कैरेक्टर जो कि जिसका नाम अलवारो होने वाला है, जिसके स्किल्स इतने तो खास नहीं है। जैसे कि आप क्रॉसबो का रेंज होता है फायरिंग का, वो ये बढ़ा देगा। और M79 का भी जो रेंज होने वाला है तोप जिसको कहते हैं, उसका भी ये रेंज बढ़ा देगा। ऐसे ऐसे जितने भी गन्स हैं उसके ये रेंज, फायरिंग रेंज बढ़ा देगा। और इसके कुछ ज़्यादा जो स्किल्स हैं नहीं, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको ये कैरेक्टर तो शायद नहीं लेना चाहिए। अब बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। तो अगला जो अपडेट आने वाला है वो है कि आपके जो कैरेक्टर्स को स्लॉट के जो स्किल्स होते हैं जिसमें आप 3 ही स्लॉट लगा सकते हो, वो अब 4 होने वाले OB19 के अपडेट के बाद। तो आप 4 स्लॉट में अपने स्किल्स ऐड कर सकते हो कोई भी जो आपके फेवरेट स्किल्स होंगे। तो अब बढ़ते गन जो कि ग्लोअल निकालेगा जब अपोनेंट आपके सामने आएंगे। तो आपने देखा होगा कि ग्लोअल डालने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये गन आपके पास जब आ जाएगा तो आप ग्लोअल आसानी से डाल सकते हो। ये ग्लोअल गन है और इसके ना ही कोई एमओ होते हैं, तो इसमें जो एमओ होंगे वो पहले से ही लगे होंगे और ये आपके ट्रीटमेंट गन जैसे चलेगा। जैसे आपके ट्रीटमेंट गन में एमओ ख़त्म हो जाता है वो किसी काम का नहीं होता, वैसे ये भी किसी काम का नहीं होगा जब इसके एमओ ख़त्म हो जाएंगे। सो गाइस, अब बढ़ते अपने अगले अपडेट की तरफ। जो नए पेट और नए इमोट आने वाले उसके तरफ में, तो उसका मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। मेरे पास ये वीडियो आ चुकी थी, तो मैं ये वीडियो सोचा था कि मैं इस वीडियो को बना देता हूँ, तो मैं ये भी वीडियो आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हमारा फ्री फायर गेम OB19 अपडेट के बाद स्टार्ट होगा, तो कुछ वैसा ही दिखने वाला है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि नए पेट जो आने वाले हैं वो ये होने वाला है रोबो। ये रोबो आपके ग्लोवल के ऊपर शील्ड लगाएगा, मतलब ग्लोवल जो होते हैं उसके ऊपर शील्ड लगा देगा, जिसके आपके ग्लोवल के जो HP होंगे, ग्लोवल की जो खासियत होगी 60% इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसका एक पेट का स्किन भी होने वाला है जो कि गोल्ड कलर का होना, बहुत ही बेहतरीन। और उसके बाद आपको बता दूँ कि नए इमोट जो आने वाले हैं, 5 इमोट आने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए पहला इमोट है ये, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 5ों में से आपका कौन सा फेवरेट इमोट है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया इमोट। और उसके बाद ये सेकंड वाला इमोट देख लीजिए, इसमें से गन्स निकल रहे हैं और गन्स में से पैसे निकल रहे फ्रेंड्स। काफ़ी OP इमोट है ये, काफ़ी बढ़िया इमोट है ये, देख लीजिए एक बार और फिर से। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके 5ों इमोट में से कौन सा इमोट आपका फेवरेट होने वाला है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया इमोट। अभी तीसरे इमोट को प्ले करता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो कतई जहर इमोट है। इसमें तो कार के ऊपर आप डांस कर रहे हो, तो देखिए डांसिंग कार का इमोट लाया है फ्री फायर ने यहाँ पर। और बहुत ही बढ़िया ये कार है गोल्ड कलर की, जो कि शायद इसका स्किन भी आने वाला है गोल्ड कलर का। आप इसे मैजिक क्यूब से एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वेट करूँगा मैं ये कार के स्किन की भी और ये इमोट की भी। बहुत ही बढ़िया इमोट है ये, अब तक का सबसे बेस्ट इमोट। उसके बाद फ्रेंड्स, ये देख लीजिए एक हिप हॉप टाइप का इमोट होने वाला है, ये हिप हॉप स्टेप है ये। और ये लास्ट जिसमें नान चाकू चला रहे हैं हमारे फ्री फायर के कैरेक्टर इस इमोट से, तो कतई जहर इमोट लाया है फ्री फायर ने। सो गाइस, जब आप गेम के अंदर आओगे तो आपका लॉबी कुछ ऐसा होने वाला है OB19 के बाद क्रिसमस अपडेट जो है। देखिए आप देखिए कैसा मैं स्नो के अंदर तब्दील हो जा रहा हूँ, मतलब स्नो बन जा रहा हूँ।
आप भी ऐसे हो सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया लॉबी, अब तक की सबसे बेस्ट लॉबी मुझे लग रही है ये होने वाला है फ्री फायर का, वो भी 19 के अपडेट के बाद। और अब हम आपको दिखाएंगे कलहरी मैप के कुछ पिक्चर्स या वीडियो कह सकते हैं, कलहरी मैप के गेम प्ले, थोड़ा सा गेम प्ले दिखाएंगे कलहरी मैप का। गेम जब स्टार्ट होगा तो आपके ऐसे ही आपके में भी दिखने लगे। और ये देखिए कलहरी मैप फ्रेंड्स, जिसके लिए आपने दिल थाम कर वेट किया था, कलहरी मैप। हम कलहरी मैप का भी आपको वीडियो दिखा देते हैं। अभी तक यहाँ पर कलहरी मैप में पूरे नाम नहीं डिसाइड किए गए हैं, मतलब अभी तक ये अपडेट में ना कलहरी मैप अभी तक अंडर प्रोसेस ही चल रहा है, तो अभी नाम नहीं आया है। लेकिन जब भी OB19 के अपडेट हमारे पास आ जाएंगे तो इसमें सारे जगहों के नाम सेट हो जाएंगे। और ये बहुत ही बड़ा मैप होने वाला है, ये पबजी से भी बड़ा मैप होने वाला है। पबजी में भी जितने सारे मैप है उससे भी ये बड़ा मैप है फ्री फायर का। सो यही अपडेट थे आपके लिए इस बार इस वीडियो में। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना आपका बेस्ट पार्ट।